जांजगीर चांपा जिला परिवहन अधिकारी के द्वारा सख्ती के नंदेली भाटा वन विभाग के खेल मैदान में 15 दिन पूर्व ही नोटिस जारी कर स्कूल संचालकों को अपने अपने स्कूल के सभी वाहनों को फिटनेस जांच के लिए 9 जून को लाने की बात कही गई थी, लेकिन स्कूल संचालकों ने अपनी मनमानी करते हुए अपने अपने स्कूल से सिर्फ कुछ ही बसें फिटनेस जांच के लिए भेजी, जिनमें से कई बसों में खामियां पाई गई। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा नंदेली भाटा वन विभाग के खेल मैदान में सभी स्कूल वाहनों की फिटनेस जांच की गई। ये फिटनेस जांच स्कूल संचालकों को 15 दिन पूर्व ही नोटिस जारी कर सूचना दे दी गई थी, परंतु स्कूल संचालकों की मनमानी फिटनेस जांच कराने के लिए भेजी गई वाहनों से साफ प्रतीत हो गया है कि जिन स्कूलों में 10 से 12 वाहन चलते हैं, उन स्कूल संचालकों द्वारा 3 से 4 ही वाहन फिटनेस जांच के लिए भेजे गए हैं। उन सभी 3 से 4 वाहनों में कई प्रकार की खामियां पाई गई हैं। कई वाहनों में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, किसी में जाली नहीं थी तो कई वाहनों के शीशे टूटे हुए थे तथा बच्चों के रखने के लिए बस्ते रखने की जगह तक नहीं थी। इस पर परिवहन अधिकारी यशवंत यादव के द्वारा सख्त निर्देश देते हुए कहा गया कि एक सप्ताह के अंदर सारी खामियां दूर हो जानी चाहिए, उसे पूर्ण कर स्कूल खुलने से पहले अपने वाहनों को फिटनेस के मापदंड के अनुसार पूरा कर लिया जाना चाहिए। उसके बाद भी जिन स्कूल बसों की फिटनेस मापदंड सही नहीं पाई जाएगी, उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए वाहनों के परमिट निरस्त कर दिए जाएंगे। परंतु इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सख्ती में मालखरौदा, जयजयपुर, डभरा, चंद्रपुर, बाराद्वार, इन सभी प्राइवेट स्कूलों के वाहनों का फिटनेस की जाँच होनी थी, परंतु 48 वाहन ही पहुँचे, जबकि सख्ती नगर के ही प्राइवेट स्कूलों में लगभग 50 से अधिक बसें संचालित होती है, परंतु 6 ब्लॉकों से 48 वाहन का पहुंचना समझ से परे है। वहीं इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी यशवंत यादव ने बताया कि उनके द्वारा 15 दिन पूर्व ही सभी स्कूल संचालकों को अपने वाहन की फिटनेस व शासन के नियमानुसार अपने वाहनों को जांच के लिए 9 जून को उपस्थित होने को कहा गया था, जिस पर 48 वाहनों के फिटनेस की जांच की गई है और जो वाहन नहीं पहुंचे हैं तथा स्कूल खुलने से पहले इनके द्वारा फिटनेस व शासन के मापदंड पर खरा नहीं उतरते तो उनके द्वारा स्कूल खुलने के पश्चात छापामार कार्रवाई करते हुए स्कूल संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज 9 तारीख को संयुक्त चेकिंग किया गया है कृषि विभाग द्वारा और आरटीओ विभाग द्वारा। इसमें स्कूल बस के निरीक्षण किया गया है, जिसमें 48 बसेस आई हैं अभी तक, उसमें से 25 में चलानी कार्रवाई की गई है, 36,500 का 18 गाड़ी फिट पाई गई है और 5 गाड़ियों को निर्देशित किया गया है, और जो गाड़ियां नहीं आई हैं तो हम फिर से नोटिस देके आरटीओ को बुलाया जाएगा। सरपंच, देखा जाता है यहाँ कई सख्ती नगर के मतलब कई प्राइवेट संस्था हैं जो कुछ गाड़ियां ही लेके आए हैं, उनके पास अनेकों गाड़ियां हैं। ये एक बार हम जाके एनालिसिस करेंगे कितनी गाड़ियां आई हैं और कितनी गाड़ी उनके पास थी, और जब ये पता चल जाएगा तो उनको फिर से नोटिस दिया जाएगा। क्या होता है सर, आपका जानकारी कुछ कम देते हैं लोग और गाड़ियां वाहन ज़्यादा चलाते हैं, ये तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। सही मतलब गाड़ी जो है संख्या देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं। हम जैसे स्कूल खुलेगा तो उनके स्कूल में दबिश देकर कार्रवाई की जाएगी। सख्ती से राम नारायण गौतम की रिपोर्ट, ACN 24।